अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो सर यूट्यूब चैनल महबल व्लॉग तो मैं हाँ नजीबुल्ला। माशाल्लाह आज जुम्मे का दिहाड़ा है, बहुत खूबसूरत दिहाड़ा है। तो इस टाइम असं जुम्मे की तैयारी की वजह तकरीबन दूर का टाइम थी गया है, क्योंकि शहरी शहर के एक बजे जुम्मा पढ़ा वाला देहात के दू बजे जुम्मा पढ़ी। तो असं इस टाइम जुम्मे की तैयारी करके मस्जिद वेंदे पे हाँ। तो अस आके छोटी देरी एक वीडियो ही बनाऊँ जाके थोम दोस्तों के ही माहौल शेयर करूँ जाके किमें देहात जुम्मा पढ़ा वेंदा है। तो अस वैसू थोड़ा सारा माहौल लिखे सूँ, मौली साहब की तकरीरी सौ छड़े सूँ, मस्जिद का सारा माहौल ही लिखे सूँ। तो वीडियो शुरू करने तो पहले सारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो वाला शुरू करी वीडियो। तो इस टाइम अस मस्जिद के दरवाजे के सामने पहुँच आए, नज़र आती पी असी मस्जिद सामने, एडू सामने दुकान नज़र आती पी है, बाल बैठे शे गिना कान। हाँ ओके करी बैठ जाओ, किश गिना कि शे बाल वजू करी वजू की झा बनी हुई है, बाहर के दो पैर। तो हम अस वह अंदर मौली साहब की थोड़ा सुने दो मिनट की तकरीर। एक कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि खुद कुरान हक है। कयामत का नक्शा जैसे जो मुशरिकीन को सुनना बनाते वो अल्लाह ने बख्शे तो सबने जिंदा पर गौर करने को, लेकिन याद रखो कयामत का लिहाड़ा सी बच्चियां जिंदा ना रहने देते तो जिंदा रहने का इन्हें की शान ना समझे दे, इन्हें मकाम ना दे दे, इन्हें रुतबा ना दे दे, इन्हें इज्जत ना दे दे। अगर थोड़ी बहुत इज्जत के शराफत का ख्याल करें जो तो इन्हें ना हुकूमत गजब करें जो इन्हें ना तालीम का इंतजाम ना करें जो इन्हें ना तरबियत का जबकि से अगर किसे नए बंदे की तालीम और तरबियत नवक शैतान ने उस उनके त्याग के घसा देता कि जायदाद दे वे अल्लाह ने दीन ने शरीयत ने तक इस्लाम करार दी है कि ए मौलवी साहब ये सूफी साहब पूरा ऐसा जाप कर दिया। तो अगर बच्ची मंगे जा अगर मैं करेगा तो घर जीना खत्म कर देते। अगर हम शीरा बच्ची बेटी भूखी मासी अपना ऐसा मुझे जा ऐसा किया ना है सादा तेरे ना तो कोई मार दी कोई नहीं वो बिचारियां भी बस इस माहौल के माशरे को मुतासर होके वो बात भी इतनी मोहब्बत रखें थी ना अपने वाले दें ना और इतनी मोहब्बत रखें थी ना अपने जीवन ना अपने रिश्तेदार नाल अपने भतरीदा नाल अपने भरीदा नाल इतनी मोहब्बत रखे हैं कि पूरी जिंदगी खामोशी नाल गुजार देनी है, लेकिन वो आप जिहड़ा कानून ने भी उन्हें पर बढ़ाया है अल्लाह की शरीयत ने भी बढ़ाया है और आज का सही सही और सलीम और इत्तेफाक जमाना भी उन्हें का वो हक तस्लीम कर लेते हैं अपना वो हक का सवाल नहीं करेंगे कि इन ना होवे तेरे वाले तुम्हें अपने हक का सवाल करना और मेरे को नाराज हो मुझे मेरा भाई मेरे को नाराज हो मुझे मेरा चाचा मेरा मामू मेरा भतीजा मेरा भांजा मेरे को नाराज ना हो मुझे वो बच्चियां बात भी और वो खाद खवातीन और औरतें बात भी इतनी अच्छी हैं कि रिश्ता बचाना रास्ते वो सवाल नहीं करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों और भाइयों कितना अफसोस का मकाम है कि भाई होके और चाचा होके और मामू होके और भरा होके भड़ीजा होके भद्रीजा होके इतना मासूम लोग था उन्हें कमजोर करके था। एक औरत बेचारी बड़ी कमजोर है उसका हक नसब कर दिया है। तो वह अपने आप को इज्जतदार भी समझे थे और कितना एक अफसोस का मत कि एक औरत का हक कौन है वो हक तो मर गई लेकिन मर्द ने वो ताकत मार करे को लड़ाई झगड़ा करके अपना हिस्सा गेन कर सही है, लेकिन कौन ना का हाथ में नहीं। फरमाया के बनी ना को ऊपर तो सेगा
ऐ मुशरिकीन मक्का अल्लाह को डरो और इतना बड़ा जुल्म न करो कि अपनी बच्चियों को जिंदा मुसलमान बंद कर दो, अपनी औलाद वला तक्तुल औलाद को भी खशियत है अल्लाह, मैं क्या अपनी औलाद पकड़ो आगे के दाखिल दुनिया में तो दोस्तों अगर आज की वीडियो तुम पसंद आई है तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो भला मिलते अगली वीडियो।